दोस्तों हिंदी साहित्य जगत में संवत 1375 से लेकर 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल की मान्यता दी जाती है, जिसको हम लोग स्वर्ण युग काल या फिर मध्य काल भी कहते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है कि उस समय ऐसा क्या हुआ जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो इसका सीधा सा जवाब है कि उस समय शासनकाल किसका था, मुसलमानों का शासनकाल था। तो मुसलमानों शासकों द्वारा देश के जनता पर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा था, उनके मंदिरें तोड़े जा रहे थे, उनके धर्म संस्कृति आस्था का पतन हो रहा था, उसको नष्ट किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में देश के जनता अपने ही देश में सुरक्षित नहीं थे, तो वे भगवान के शरण में चले गए। हालांकि ये कंट्रोवर्सी का विषय है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, क्योंकि सभी साहित्यिक विद्वानों का अपना अपना मान्यता है, इस बात को लेकर अपनी अपनी मत है, तो ये एक कंट्रोवर्सी का विषय है। लेकिन मोटा मोटी देखें तो यही वो कारण है, क्योंकि उस समय देश में अत्याचार हो रहा था, धर्म और जाति के नाम पर निम्न वर्गियों पर अत्याचार किए जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होता है। और कहा जाता है कि जब जब धरा पर पाप बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। इस काल में भी एक से बढ़कर एक रचनाकार हुए, जो स्वयं ईश्वर तो नहीं थे, परंतु ईश्वर के भेजे दूत से कम भी नहीं थे। तो आज हम लोग ऐसे ही एक महान कवि की भक्ति भावना पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग कबीर दास की भक्ति भावना पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पूर्व भी मैं कबीर दास से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, जिस पर मैंने कबीर दास की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा की है। अगर आपको उस वीडियो की ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके परीक्षा में आपसे कबीर दास की भक्ति भावना पूछते हैं और आपने भक्ति भावना को नहीं पढ़ा, तो ऐसी स्थिति में आप जो मैंने कबीर दास की काव्यगत विशेषताओं पर जो पढ़ाया है उसी को लिख देंगे, तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन 100% नहीं, लेकिन 70% अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, मैं कबीर दास की काव्यगत विशेषताओं को भी पढ़ूंगा और उनकी भक्ति भावना को भी पर्टिकुलर पढ़ूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं भक्ति भावना को, तो उसको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो वहाँ भक्ति भावना की झलक भी देखी जाती है। तो आज हम लोग कबीर दास की भक्ति भावना पर चर्चा करेंगे, तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग SB चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, तो प्रस्तावना में आप लिखिए कि भक्ति काल दो काव्य धाराओं में विभक्त है, एक निर्गुण तथा दूसरा सगुण। वही निर्गुण काव्य धारा को भी दो उप काव्य धाराओं में बांटा गया, संत काव्य धारा और प्रेम मार्गी काव्य धारा। संत काव्य धारा को हम लोग ज्ञानश्रीय शाखा भी कहते हैं। तो कबीर दास जी संत काव्य धारा या फिर ज्ञानश्रीय शाखा के प्रतिनिधित्व कवि है। कबीर दास के जन्म के विषय में कई भ्रांतियां देखने को मिलती है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जो जिनका मानना है कि कबीर दास का जन्म जो है किसी विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ और लोक लाज के भय से उसने उन्हें लहरताला तालाब के किनारे छोड़ दिया, जहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति है। जुलाहा मतलब जो कपड़े सीने का काम करते हैं, कहा जाता है वे निसंतान थे, तो उन लोगों ने उन्हें पाया और उनका पालन पोषण किया। वही कुछ लोगों का मानना यह भी है कि कबीर दास का जन्म नहीं हुआ था, अपितु वे कमल के फूल में प्रकट हुए थे। बहरहाल कि कबीर दास का जन्म कैसे हुआ ये हम लोगों का विषय नहीं है। कबीर दास के विषय में कहा जाता है कि वे बचपन से ही साधु से भी स्वभाव के थे, अर्थात सत्संगति पर विश्वास रखते थे। कबीर दास का गुरु का नाम रामानंद बताया जाता है। कबीर दास के रचना का बात करें तो साखी सबद रमेनी है। कहा जाता है कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे, इस बात की पुष्टि उनकी पंक्तियों में भी हो जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके द्वारा लिखा दोहा आज हम कैसे पढ़ रहे, तो उनके शिष्य लिखा करते थे। कबीर दास बचपन से ही फक्कड़ स्वभाव के थे, उनके सामने कुछ भी होता दिख जाता, कुछ भी गलत होता दिखता तो वो उस पर व्यंग करते थे। वो कभी डरते नहीं थे व्यंग करने से, फिर आगे चाहे कोई भी हो वो उस पर व्यंग करते थे। और भक्ति को लेकर उनकी सोच तो कुछ अन्य ही है। वे निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, योग मार्ग पर आस्था रखते हैं, देश के निम्न वर्गियों का सपोर्ट हमेशा करते हैं। देश के जनता और देश के निम्न वर्गियों पर जब जब अत्याचार किया गया उन्होंने अपनी वाणी चलाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कबीर दास की भक्ति भावना पर चर्चा करेंगे। तो साइट पर आप देख सकते हैं नोट्स भी डिस्प्ले हो रहा होगा, लेकिन आपसे गुजारिश है पहले वीडियो को कंप्लीट देख लें, नेक्स्ट टाइम में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने राइटिंग में लिख सकते हैं। हम लोग बहुत मेहनत के साथ में आप लोगों के लिए इस तरह से नोट्स तैयार करते हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसलिए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट अवश्य करते रहे। तो
कबीरदास की भक्ति भावना की बात करें तो सबसे पहली भक्ति भावना होगी गुरु की महानता, ठीक है, या उसको आप सत्संगति का महत्व भी कह सकते हैं। तो कबीरदास का मानना था कि ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर की साधना के लिए हमें सत्संगति को समझना होगा, ठीक है। वो सत्संगति ही है जिसके कारण हम ईश्वर को प्राप्ति कर सकते हैं। सत्संगति, ठीक है, गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि मोक्ष का राह हमें वही दिखाते हैं। तो इस बात पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिखेगी, कबीर संगति साधु के निष्फल कभी न होए, कबीर संगति साधु के निष्फल कभी न होए, ऐसी चंदना वासना नीम न कही कोई, ठीक है। तो इस उदाहरण को लिख दीजिएगा। कबीरदास के काव्यगत विशेषताओं वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कबीरदास यहाँ तक कि प्रभु से, भगवान से भी अधिक गुरु को मानते थे। वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये उनकी पहली भक्ति भावना। कबीरदास की दूसरी भक्ति भावना है निराकार ब्रह्म की उपासना या फिर योग मार्ग, ठीक है। तो कबीरदास योग मार्गी कवि थे, वे निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। कबीरदास जिस राम की चर्चा करते हैं वे दशरथ सूत राम नहीं थे, उनके राम जो थे वे निराकार थे, जिनका कोई आकार नहीं है, वे घट घट में समाहित है, कण कण में विद्यमान है। तो इस बात को अगर आपको उदाहरण सहित लिखना होगा, उदाहरण लिखना होगा, तो आप लिखिए कि निर्गुण राम जपहु रे भाई, निर्गुण राम जपहु रे भाई, दशरथ सूत तिहु लोक बखान, राम नाम का मरम न जान। तो इस उदाहरण को लिख दीजिएगा, इस बिंदु पर ये उदाहरण बिल्कुल सटीक रहेगा। यही साथ में आप और एक उदाहरण लिख सकते हैं कि ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबा के लास में, ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबा के लास में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अर्थात कि ना तो मैं मस्जिद में हूँ ना मैं मंदिर में हूँ, मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे ही अंदर में हूँ। तो उनके जो प्रभु थे वे निराकार थे, वो कण कण में विद्यमान थे। कबीरदास की अगली भक्ति भावना है मूर्ति पूजा का खंडन। कबीरदास का मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति मूर्ति पूजा से नहीं होती है, मूर्ति पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु ईश्वर की प्राप्ति के लिए कठिन साधना की आवश्यकता है। वे मूर्ति पूजा को बाह्य आडंबर मानते थे, आडंबर मतलब दिखावा मानते थे। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो सुंदर सा पंक्तियाँ है, आप लिख सकते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। कहने का मतलब कि अगर पत्थरों को पूजने से प्रभु की प्राप्ति होती, प्रभु मिलते हैं, तो उससे अच्छा, तो उससे भला तो ये नहीं कि हम पहाड़ों को पूजे, वहाँ तो न जाने सैकड़ों कितने पत्थर है तो हमें कितने भगवान की प्राप्ति होगी। उससे अच्छा होगा कि आप उस चक्की को, मिल स्टोन ना, जिसमें हम लोग अनाज पीसते हैं, उसको पूजिए, ठीक है, जिससे हम लोगों का पेट भरता है। उनकी अगली भक्ति भावना है अहंकार विसर्जन, ठीक है। तो कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति के लिए, ईश्वर की साधना के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें अहंकार का विसर्जन करना होगा, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में अहंकार है तो ऐसे हृदय में ईश्वर वास ही नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन हमारे मन से अहंकार चला जाएगा, उस दिन हमारे मन में ईश्वर वास करने लगेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया दीपक देखा मोही। तो कह रहे हैं कि जहाँ मैं होता हूँ, मैं मतलब अहंकार, वहाँ हरि नहीं होते, और जहाँ हरि होते वहाँ अहंकार नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखते चले जाइए। उनकी भक्ति भावना है नाम स्मरण, जी हाँ, या फिर सुमिरन। कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर का नाम स्मरण हमें हर पल करना चाहिए, हमें क्षण क्षण, ठीक है, पल ईश्वर का नाम का स्मरण करना चाहिए, और वो जीते जी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मरने के बाद, जीते जी ही हमें ईश्वर के नाम की स्मरण करते रहने चाहिए, उनकी सुमिरन करते रहने चाहिए। क्यों? ऐसा करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिखिए कि सुमिरण की शुद्धि यूं करो, सुमिरण की शुद्धि यूं करो, जैसे कामी काम एक पल बिसरे नाही निस दिन आठों धाम। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर के हमें नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। वे कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से हमें ईश्वर का नाम का स्मरण करना चाहिए। यहाँ पर आप और एक उदाहरण दे सकते हैं, या फिर आप किसी एक को दोनों में से लिख सकते हैं।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे होई। ठीक है, तो हम लोग का इंसान की प्रवृत्ति होती है ना, जब हमारे अंदर दुख आता है, हमें कुछ कष्ट होती है, कुछ तकलीफ होती है, तभी हमें भगवान की याद आती है। लेकिन जब हमारे जीवन में खुशी चल रही होती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, दुख में भी हो सुख में भी हो हमें ईश्वर का नाम का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। उसी के साथ उनकी अगली भक्ति भावना है मधुर्य भाव की भक्ति। जी हाँ, मधुर्य भाव की भक्ति का अर्थ है कि भक्त स्वयं जीव आत्मा और प्रभु को, भगवान को परमात्मा माने। तो कबीरदास के काव्य में आप देखेंगे ऐसी बात भी है। ठीक है, तो मधुर्य भाव की भक्ति भी उनके काव्य में देखा सकती है। तो यहाँ पर आपको उदाहरण लिखना होगा, तो आप लिखिए, अखड़िया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। तो इसमें आप यहाँ इन बिंदुओं में आप इन उदाहरण में आप देख सकते हैं मधुर्य भाव की भक्ति। फिर अगली भक्ति भावना की बात करें तो दास्य भाव की भक्ति। कबीरदास भले ही क्या कहते हैं योग मार्गी कवि थे, योग मार्ग पर आस्था रखते थे, लेकिन उनके दोहों में दास्य भाव की भक्ति भी देखी जा सकती है। जैसे उदाहरण सहित आप एक पंक्तियाँ देख सकते हैं, मैं गुलाम मोही बेची गोसाई। तो यहाँ पर आप दास्य भाव की भक्ति देख सकते हैं। तो इस तरह से लगभग हमने 8 भक्ति भावना पर चर्चा कर ली। अब आप निष्कर्ष लिखिए, निष्कर्ष में लिखिए कि इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि कबीरदास निराकार ब्रह्म के उपासक थे, जो योग मार्ग पर विश्वास रखते थे। उन्होंने भक्ति के नाम पर हो रहे आडंबरों एवं कर्म कांडों का विरोध किया। उनकी भक्ति में उपयुक्त चर्चित ऊपर हमने जो चर्चा किया उसके अतिरिक्त, ठीक है, उपयुक्त चर्चित भक्ति भावना के अतिरिक्त एक स्वरवाद मतलब एकता की भावना भी देखी जा सकती है उनकी भक्ति में। वही अद्वैतवाद, उसके बाद वात्सल्य कांता भाव, उसके बाद प्रपति तन्मयता आदि भी उनकी भक्ति भावना रही है। उसी के साथ साथ हम ऐसा भी कह सकते हैं कबीरदास की भक्ति में एकाग्रता, उसके बाद सतत साधना, फिर सत्संगति के विशेष महत्व को देखी जा सकती है। अतः उनकी भक्ति अद्भुत है। तो इतना आप उनकी कबीरदास की भक्ति भावना पर अगर आपसे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त रहेगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे बिंदु जो है वो काव्यगत विशेषताओं से सिमिलर भी है, और मैंने सिमिलर इसीलिए बनाया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो मैंने कोशिश किया कि कुछ कुछ उदाहरण को भी सेम दे दूँ। ऐसा करने से आपके लिए इधर याद करेंगे तो वहाँ भी काम आ जाएगा, और वहाँ याद करेंगे तो यहाँ भी काम आ जाएगा। मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपके परीक्षा में कबीरदास की भक्ति भावना पूछते हैं और अगर आप उनकी भक्ति भावना को पढ़कर नहीं गए हैं तो ऐसी स्थिति में आप उनकी काव्यगत विशेषताओं को ही लिख दीजिए, क्योंकि घुमा फिराकर बात सेम ही होता है। और अगर आप काव्यगत विशेषताओं को पढ़कर नहीं गए हैं, भक्ति भावना को पढ़कर गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप इसको वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज तो नहीं रहेगा, लेकिन समथिंग इज नथिंग देन बेटर। होप करता हूं दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा, सहायक होगा। तो आप सभी से लास्टली गुजारिश है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो, अपना सुझाव देना हो, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे ताकि अगली बार मैं हिंदी से जुड़ी किसी भी विषय पर कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।